आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेट इज चैप्टर नंबर 4. ठीक है, तो ये है क्लास 10th का क्वाड्रेटिक, दैट इज 4th चैप्टर. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक को सोल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स क्या होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. मतलब अगर आपने इंट्रोडक्शन कर लिया तो इसका मतलब 50% ऑफ द चैप्टर कवर कर चुके हो. ठीक है, तो काफ़ी सारे टीचर इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाते, जैसे पता ही चल रहा है कि चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है, हवा के अंदर जा रहा होता है सब कुछ. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है बेसिकली, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं इस इक्वेशन से? तो हाँ भाई, पहले हम मिल चुके हैं, क्लास 8th में मिल चुके हैं, क्लास 9th में मिल चुके हैं. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये हम फॉर्म पहले पढ़ चुके हैं, ये हम फॉर्म बेटा पहले पढ़ चुके हैं. दैट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये किसकी फॉर्म है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है. तो हम दो तीन एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू जीरो. तो सारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं. ठीक है, और जिसके साथ कुछ भी ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, और लेट बी एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, ये भाई ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान रखना. तो काफ़ी सारे बच्चे इसके अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशन. तो कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है भाई वन वेरिएबल होना चाहिए. क्या कहती है कंडीशन? की वन वेरिएबल, वेरिएबल समझ रहे हो ना, एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, ए एक वेरिएबल है, मतलब जितने भी अल्फाबेट्स हैं हमारे पास तो वो सारे के सारे वेरिएबल ही हैं. ठीक है, और अगर हम बात करें कि सेकंड कंडीशन की, तो पावर, जब पावर नहीं बोलते मैथमेटिक्स की फॉर्म में डिग्री बोलते हैं, डिग्री क्या होनी चाहिए? 2. डिग्री का मतलब इन द सेंस हाइएस्ट पावर इज 2, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो. ठीक है, हाईएस्ट पावर 2, देखो ना भाई इन सब में हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, और वेरिएबल कितना, सिर्फ एक x, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2. ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2. ठीक है, और वेरिएबल भी एक है. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसमें 2 वेरिएबल्स का यूज हो गया. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. भाई देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती बिकॉज इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है, हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 नहीं है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई. ठीक है, ये मान लेते हैं. ठीक है, तो वैसे तो समझ ही हो गए, इट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन. ये कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है बिकॉज इसके अंदर हाईएस्ट पावर 3 है. ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 2 ही होनी चाहिए, इसलिए इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए दो चीज़ें, एक तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए, लेट अस एग्जांपल एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए, ए बी सी जेड, मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन वेरिएबल एक ही होना चाहिए, और हाईएस्ट डिग्री बेटा 2 होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि एक और है, जैसे मैंने सारे x का इसके लिए, वैसे y y के भी ले सकते हैं. तो जैसे कि y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. y स्क्वायर प्लस 9y और 9, तो ये छोड़ दें, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, सिक्स वाई प्लस 9 इज इक्वल टू भी 0. ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. देखो ये भी, बिकॉज हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी 2 है, वेरिएबल एक ही है, वाई 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 वाई. ठीक है, और क्वाड्रेटिक के अंदर जनरली 3 टर्म होती है. कितनी टर्म होती है बेटा? 3, मतलब टर्म समझ रहे हो ना, जब प्लस माइनस लग जाता है तो नेक्स्ट टर्म की स्टार्टिंग हो जाती है. तो टर्म 1, दिट इज टर्म 1, दिस इज टर्म 2 एंड दिस इज टर्म 3. ठीक है, तो हाईएस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टर्म 3 हो सकती है, और इससे ज़्यादा आपकी टर्म नहीं हो सकती किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर. तो अब हमें पहचानना आ गया कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इन शॉर्ट, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, या फिर इसको हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में बोल देते हैं, डिग्री 2 होनी चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? डिग्री 2 होनी चाहिए. प्लस में अगर मैं बात करूँ वेरिएबल की, तो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए. कितना वेरिएबल होना चाहिए? सिंगल. जैसे कि आप लोगों ने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वहाँ पे 2 लोग थे भाई, एक एक्स था एक वाई था,
एक यू था तो एक वी था, एक जेड था तो एक एक्स था, मतलब कुछ भी था लेकिन दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे थे। तो यहाँ पे कितने हमारे जो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सम अननोन वैल्यू, दैट इज नोन एज वेरिएबल। जो उसकी वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, जिसका मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, तो उसको हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं। तो ये तो हो गया कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाने। भाई देखो, पहचानोगे तब तो समझोगे ना। तो सबसे पहले हमने सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचाने, ठीक है, कैसे पहचाने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने कंडीशन लिखवा दी आपको, उसके बाद मैंने फॉर्म लिखवा दी, ये होती है हमारी फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है, एफ ओ आर एम, ठीक है, तो ये हमारी फॉर्म होती है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू बी जीरो, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ए बी सी क्या है। भाई यहाँ पर ए बी सी क्या है, ये जो ए बी सी मैं लिख रहा हूँ ये क्या चीज़ बोला है भाई, ठीक है। तो अगर कभी कभार ये बच्चों वाली चीज़ पूछ ली जाती है कि इसकी जो ये क्वेश्चन है टू, चलो मैं क्वेश्चन भी चेंज कर लेता हूँ, तो क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है। तो अंडरस्टूड है बेटा, जब ये क्वेश्चन इतना लिखा है इसका मतलब इसके इक्वल टू में क्या होगा बेटा, जीरो। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो इक्वल टू जीरो आप खुद लगा लेना, ओके। तो अब करना क्या है बेटा, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपसे पूछेगा कि ए कौन है, बी कौन है और मेरा प्यारा सा सी कौन है, ठीक है, ए कौन है, बी कौन है, सी कौन, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब वन है, जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक एक, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आ गया एक, तो एक आ गया, ठीक है। अब बी, बी मतलब जो एक्स के साथ लिखा होता है वो बी होता है, तो फोर। अब जो किसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता वो होता है सी, ठीक है। अब ये देखो, ये तो हो गया बहुत सिंपल सा। अब मैं कुछ अलग सा देता हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ वाई स्क्वेयर प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ए बी सी कैसे लिखेंगे, ए बी एन सी। सबसे पहली बात, इस चीज़ को गांठ मान लेना कि वेरिएबल कोई भी हो सकता है। जैसे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है बेटा, ये आपको दिख रही होगी कि एक्स की फॉर्म है, ठीक है, तो एक्स की जगह वाई भी हो सकता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, बस ये देखना वेरिएबल स्क्वेयर के साथ वाले में जो भी होगा, कोई सा भी वेरिएबल हो उसके ऊपर अगर स्क्वेयर है, मतलब वो वेरिएबल स्क्वेयर वाला है, तो उसके साथ जो भी होगा वो ए होगा। जिस वेरिएबल की पावर वन होती है, मतलब जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, तो वो होता है बी, और जिसके साथ वेरिएबल ही नहीं होता वो होता है सी, ठीक है। ये हो गए नॉर्मल से क्वेश्चन ए बी सी के। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन के, हो गया वाई स्क्वेयर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, एक और इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट हल्की सी। तो कुछ नहीं है, ए क्या हो गया मेरा वन, बी क्या हो गया बेटा, हमेशा आगे का साइन भी कंसीडर करना है। आगे का साइन कंसीडर कैसे करेंगे भाई, लिख लेंगे, ठीक है। प्लस को लिखने की नीड नहीं होती इसलिए मैं प्लस को नहीं लिखता, लेकिन अगर नेगेटिव की बात है तो देखो बी जो है मेरा माइनस सिक्स आएगा यहाँ पे, वो जो मेरा सी आएगा बेटा वो आएगा नाइन। तो ये हो गया मेरा ए बी सी फॉर दिस इक्वेशन। और अगर एडवांस में जाते हैं तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ वाई स्क्वेयर, एक्स में लिख लो भाई तुम नाराज ना हो, जेड में लिख लो, जेड स्क्वेयर प्लस नाइन जेड इज इक्वल टू फोर, ठीक है। सब जो हमारी इक्वेशन है वो मैं हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकली मतलब कि अपनी तरफ से इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ऐसा कोई नंबर है इज इक्वल टू के इधर फोर हो गया, तो सबसे पहली बात जो मैंने फॉर्म लिखवाई रखी थी वो इज इक्वल टू के उधर जीरो था, तो सबसे पहले आपको इज इक्वल टू के उधर जीरो लाना पड़ेगा। तो जेड स्क्वेयर प्लस नाइन जेड, इसको भाई उधर उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब ए बी सी लिखना आसान है, वेरिएबल जिसके ऊपर स्क्वेयर है उसके सामने क्या लिखा हुआ है, वन, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वन होता है, ठीक है। बी वेरिएबल जिसकी पावर वन है उसके साथ क्या लिखा हुआ है, नाइन, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसके साथ क्या है, माइनस फोर है, उसके साथ क्या है बेटा, माइनस फोर है। तो ये ऐसे सोल्व हो जाते हैं, ए बी सी निकल जाता है। और एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो इसके अंदर हम ए बी सी कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे ये बोलेंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट नहीं बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज सबसे ज़्यादा पावर टू है, ठीक है, पहली कंडीशन कंप्लीट होती है डिग्री वाली, ठीक है, और वेरिएबल एक का ही यूज हो रहा है, तो इसका मतलब इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। उसके बाद अगर हम स्टार्ट करें ए बी सी लिखना, ए बी ओ सी, तो ए कौन होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ हो, मतलब कुछ भी नहीं है तो वन है, तो वन आ गया, ठीक है भाई। अब एक्स के साथ वाला बी होता, लिखा ना एक्स के साथ वाला बी होता, अगर एक्स के साथ वाला बी होता, लेकिन एक्स तो है ही नहीं, लेकिन एक्स तो मिसिंग है। अगर एक्स मिसिंग है तो मतलब उसके साथ का जो कोफिशियंट है वो भी क्या होता है, जीरो होता है, और सी क्या बेटा, माइनस फोर होता है, सी क्या बेटा मेरा, माइनस
4 है बेटा। तो छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एक टर्म मैंने और अभी यूज करी, मैंने टर्म यूज करी है वो कोफिशियंट। जो भी अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है बेटा, प्लस फोर है। एक्स का कोफिशियंट क्या है बेटा, डेट इज फोर। और जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता डेट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। तो दो वर्ड है ध्यान रखना, कोफिशियंट अगर वेरिएबल के साथ कुछ साथ में लिखा हुआ है डेट इज नोन एज कोफिशियंट, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा होता उसको बोलते हैं बेटा कॉन्स्टेंट। तो कुछ कुछ टर्म होती है बच्चे काफी सारी हाई लेवल तक चले जाते हैं मैथ्स के अंदर और बात तक कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, वेरिएबल के साथ वालों को बोलते हैं कोफिशियंट, ठीक है। और जिसके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा होता लाइक फोर, तो फोर के साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ दैट मीन्स इट इज नोन एज कॉन्स्टेंट, ठीक है। ओके, इतनी सी बात समझ आई है, प्लीज नोट डाउन कर लो साथ साथ की क्या कंडीशन है, कैसे कैसे करना है ABCD। होप कि पहले वाला भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अभी इतना समझो, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मतलब अभी एक दो सेकंड के बाद बोर्ड रफ करूंगा ना भाई, अब बोर्ड रफ करूंगा फिर चीज़ लिखूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिर मैं समझाता हूँ, ओके, जब तक आप इसको नोट करो, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं एक दो क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैंने ये चैप्टर के बीच में से लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए और जब वो क्वेश्चन आए तो आपको याद आए मेरी, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन है x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वी 2x माइनस 3। तो बेटा ये एक तरीके का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है क्या ये जो फॉर्म है, मतलब क्या जो ये नंबर लिखा हुआ है, जो इक्वेशन लिखी हुई है, जो इक्वेशन बनेगी x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो बेटा हमको कुछ नहीं करना, हमको एक तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी देन आई टेक अ डिसीजन कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई दिस। तो सिंप्लीफाई के अंदर एक चीज़ जो मुझे राइट हैंड साइड पे दिख रही है कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई डेट इज 2x, और 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा डेट इज गिव मी 6। तो 2 3 6 ऑब्वियस ही बात है। अब यहाँ देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। अगर a प्लस बी की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर जो तुम्हें पसंद आती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कुछ भी लगा लो। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आगे सीधी सीधी ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर डेट इज दिस 2ab, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 डेट इज 2x, और 1 का होल स्क्वायर डेट इज 1, ठीक है। अब देखो भाई, अब 2x इधर है और 2x इधर, खत्म हो गया, खत्म भाई, सीधी सी बात, 2x इधर 2x इधर, और सेम साइन है। जब भी आपको इक्वल टू में काटना हो तो सेम साइन होना चाहिए, वो तो इक्वल टू में कट जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बच रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उधर बच रहा है माइनस 6, इसको इधर उठा के ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो मैंने अभी बताया जो ऐसी फॉर्म होती है इसमें चेक कर लेते हैं, वैसे तो क्वाड्रेटिक है, फिर भी मैं तुम्हें चेक करवा देता हूँ क्या पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है वन वेरिएबल। यस, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल, एक ही वेरिएबल दैट इज x। क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, हायर डिग्री 2 है। यस, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है दैट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर इज नो डाउट कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। ओके चलो, जब भी स्क्रीनशॉट लो बेटा हमेशा ध्यान रखें कि वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम राइटिंग ऑन अ बोर्ड 2 - x, x प्लस 1 इज इक्वल टू बी x माइनस 1 एंड x प्लस 3। ओके बेटा, तो यहाँ पे दोनों ही जगह मल्टीप्लाई नहीं है, तो बस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं यार 8th वाला आपसे, ठीक है ना। आप कह रहे हैं यार 8th ही तो बड़ी मुश्किल से पास हुई थी, ठीक है। चलो यार, अगर 10th में आ गए हो तो 9th आप कर चुके हो, तो थोड़ी सी आती है आपको मैथ्स, बहुत है, ठीक है, इतनी मैथ्स बहुत है 10th के लिए, ज़्यादा घबराने लगे कि सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपका। तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई समझाता हूँ, x लेना है पूरा नंबर लिख देना 7th वाला, फिर माइनस 2 लेना है पूरा नंबर लिख देना 7th वाला, ओके। फिर ये वाला एक्स लेना है पूरा नंबर लिख देना 7th वाला, फिर माइनस 1 लेना है पूरा नंबर लिख देना 7th वाला, ओके बेटा। नाउ वी मल्टीप्लाइंग दिस, तो इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज एक्स स्क्वायर, ओके। 2x नहीं होता, काफ़ी सारे बच्चे एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज 2x, भाई कौन सी दुनिया में हो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। बेसिस आर सेम, पावर विल एड इन अ मल्टीप्लाई, ओके। बेसिस आर सेम, पावर विल एड इन अ मल्टीप्लाई, ठीक है। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश लर्न कर लिया करो, अच्छा रहता है, इंप्रेसिव लगता है। तो x प्लस 1 इज x,
माइनस दैट इज माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वेयर थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। होपफुली समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना, समझा दूंगा। अब देखो कौन सी चीज़ें कट सकती हैं, कई बच्चे सोच रहे होंगे एक्स है और माइनस है, कट जाएगा, नहीं कटेगा भाई, कहता ही नहीं कटने वाला, सो छोड़ो। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, ऑब्वियस ही बात है भाई, ये एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव, ये एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव, और कर लेते दड़म सी सारी एक, सबको एक साथ ले आओ, एक्स माइनस टू एक्स, ये वाला इधर आएगा माइनस थ्री एक्स, ये वाला इधर आएगा प्लस एक्स, ये माइनस टू इधर लिखा ही हुआ है, ये वाला थ्री को भी इधर ले आओ, प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब देखो भाई, देखो तमाशा देखो, अब एक्स और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स, ठीक है जी, और अब माइनस माइनस प्लस साइन माइनस साइन बढ़ेगा तो प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है भाई। एक्स और एक्स टू एक्स माइनस फाइव एक्स, बहुत लंबा कर दिया वैसे, मैं तो एक जरा सी झटके में कर देता, तुम्हें समझ नहीं आता ना फिर, तो टू एक्स माइनस फाइव है दैट इज माइनस थ्री एक्स प्लस वन, कुछ नहीं है, नॉर्मल लगाया है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ बिग नो, अ बिग नो, बिकॉज इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल चाहे एक है, वेरिएबल चाहे एक है, लेकिन डिग्री टू हाईएस्ट नहीं है, डिग्री टू हाईएस्ट नहीं है, मतलब इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारी बात यहीं पे खत्म होती है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब हमने सारी चीजें पढ़ ली कि भाई फॉर्म कौन सी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, फॉर्म्स कौन सी होती है, तो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इट इज द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, या फिर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर टू कंडीशंस, वन कंडीशन इज वन वेरिएबल होना चाहिए, सेकंड कंडीशन इज डिग्री टू होनी चाहिए। इतनी सी बात हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब हम काला चिट्ठा पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है, क्या कंडीशन होती है, क्या फॉर्म होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब बारी आती है कि हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जान पहचान बहुत कर ली, अब काम की बातें करते हैं। जान पहचान होगी क्वाड्रेटिक से तो काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये चीज़ तो आती ही नहीं है भाई, देख लेना एक्सरसाइज 4.1 खोलते ही 10-12 क्वेश्चन यही आ जाएंगे कि बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ऐसा मैं सोचना कि मैंने आपका टाइम वेस्ट करवा दिया, ठीक है ना। चलो बेटा अब हम पढ़ते हैं कि हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हम मैं एक चीज़ बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बचपन में भी सोल्व करते थे, किससे करते थे, लेकिन स्प्लिटिंग मेथड से करते थे। किससे करते थे बेटा? स्प्लिटिंग मेथड से, जो आपने चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल में भी की होगी बहुत सारी स्प्लिटिंग्स, ठीक है। तो वहां पे भी बेटा आप लोगों ने स्प्लिटिंग्स करी होंगी, तो जो स्प्लिटिंग्स करी होंगी बेटा तो उसको भी बोलते हैं कि एक मेथड है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है कि एक फॉर्मूला, भाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोला है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ गंदा डिजाइन बन गया ना, सही कर देते थोड़ा सा, ठीक है भाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। देखो स्प्लिटिंग आप लोग करते थे सेकंड चैप्टर के अंदर, क्या करते थे बेटा? सेकंड चैप्टर में स्प्लिटिंग करते थे, याद हो तो। आप स्प्लिटिंग बचपन से करते आ रहे हो, आपने क्लास 8th में भी स्प्लिटिंग करी है, क्लास 9th में भी स्प्लिटिंग करी है, और क्लास 10th के सेकंड चैप्टर में भी स्प्लिटिंग करी है, ठीक है। अब जब हम आ रहे हैं शिफ्ट टू द 4th चैप्टर ऑफ क्लास 10th, तो यहाँ पे एक आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो काफ़ी सारे बच्चों को अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्प्लिटिंग कैसे करें, भाई स्प्लिटिंग उन लोगों को नहीं आती, कभी माइनस की गलती हो जाती है, कभी प्लस की गलती हो जाती है, कभी कॉमन निकालने में गलती होती है, कभी एचसीएफ करने में गलती हो जाती है, कभी पता नहीं क्या कुछ भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर एक मतलब एक बाण ताड़ मतलब सब कुछ है, एक मतलब फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला है, आपको उसको पुट करना है और कहानी खत्म। तो एक रेडीमेड फॉर्मूला है और आपको पुट करना है और कहानी खत्म। तो सबसे पहले इसमें निकलता है डिस्क्रिमिनेंट, इसमें क्या निकलता है? डी। डी का मतलब है, दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट क्या फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। स्पेलिंग देख लेते हैं भाई, नहीं गलत है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। स्पेलिंग थोड़ी सी अलग सी है इसकी, ठीक है। डी आई एस सी आर आई एम आई एन ए एन टी, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। वैसे इतना बड़ा कोई याद मत के रखना, एक बार याद रख लेना, डिस्क्रिमिनेंट कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डी। जनरली मैं डी ही बोलूँगा, ठीक है। डी से समझ जाना कि मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा हूँ, और हर कोई डी ही बोलता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या बोला है, कभी कभार चैप्टर खत्म हो जाता है और बच्चों से पूछते डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया कि डिस्क्रिमिनेंट इज नोन एज डी। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। अब सोच रहे होगे यार ये क्या बोल दिया, तो बेटा एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, डेट इज बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। दो तीन बार बोलो आपके दिमाग में घुस जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी।
बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। काफी लोगों ने तो डबल टैप कर दिया होगा 10 सेकंड आगे, ठीक है। तो भाई ये है बेवकूफ लोग, ठीक है। जितनी भी चीज़ हम बार बार सुनते हैं ना बेटा, बार बार सुनने से क्या होता है कि वो चीज़ अंदर घुस जाती है, अंदर मतलब दिमाग में घुस जाती है, दिमाग से रूह में घुस जाती है, रूह से दिल में घुस जाती है। तो टीचों को ध्यान रखो, बार बार सुनो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देन जब आप एक्स का आंसर निकालोगे या वाई का आंसर निकालोगे, मतलब फोर रूट्स निकालोगे, तो आंसर है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू ए, रूट डी बाय टू ए। और काफ़ी सारी टीचर्स इसको ऐसे भी लिखवा दे तो प्लीज़ उनको जूते चप्पल मत मारना, यार क्या करवा रहे हो टीचर आप, ये हमारे ट्यूशन वाले सर ने तो नहीं करवाया, ये लड़ने भिड़ने लग जाओ। डी क्या होता बेटा, डी है ना। तो काफ़ी सारी टीचर्स ऐसे भी करवाती हैं बेटा कि डी की जगह पूरा का पूरा आंसर लिखवा देती है। उसको पढ़ना, उसको लर्न करना, इट्स बिकम सो डिफिकल्ट। देखो अगर मैं बोलूँ एक्स का आंसर है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, ठीक है, तो कितना सिंपल हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, कितना आसान है। लेकिन अगर मैं नीचे वाले को पढ़ूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, लो और बड़ा। देखो मेरे को तो सारा याद है, तुम ये सोचोगे कि भैया या सर रुक जाएंगे और ऐसे फॉर्मूला वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं बहुत सालों से चीज़ें कर रहा हूँ तो मैं कभी नहीं रुकने वाला, तुम रुकोगे, ठीक है। तो अभी मैं सीधे फॉर्मूला लर्न करवा रहा हूँ, फॉर्मूला लर्न कराऊंगा, सिर्फ 5 से 10 सेकंड लूंगा आपका फॉर्मूला लर्न, ठीक है। तो सबसे पहले डी लर्न करो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नाउ द टर्न इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय टू ए। अब आंखें बंद करो और एक बार लर्न करने की कोशिश करो, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ बोलो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू ए। तो दोबारा बोलता हूँ, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू ए। अगेन डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू ए। तो अब मेरे ख्याल से तो लर्न हो गया होगा, फिर भी लर्न नहीं हुआ ना तो थोड़ा सा पीछे कर लो वीडियो को और दोबारा से गाना सुन लो, ठीक है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, कि इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर समझते हैं भाई कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करना है इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो भाई हटाओ। चलो भाई काफ़ी एनर्जी लग गई आज के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बहुत प्यारा सा, तो क्वेश्चन इज एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन, द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस। देखो मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं स्प्लिटिंग भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। स्प्लिटिंग लगाने के लिए तुम बोलोगे क्या करना है स्प्लिटिंग में, तो भाई देखो मैं तो ओरली भी कर लिया स्प्लिटिंग, तो 5 और 2 का फैक्टर बनेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा और स्प्लिटिंग हो जाएगी, है ना। तो जिसको स्प्लिटिंग आती है उसको पता है कि भैया ने बहुत जल्दी कर दिया इसको, ठीक है। अब स्प्लिटिंग वाले छोड़ो, अब मेथड आते हैं ये वाला, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैं यही फॉर्मूला लगाना है और ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इन फ्यूचर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th की मैथमेटिक्स में, 12th की मैथमेटिक्स में और 10th की मैथमेटिक्स में तो है ही, जिसको स्प्लिटिंग नहीं आती है, ठीक है। और काफ़ी बार क्वेश्चन में लिखा होगा यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, सॉरी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो भी आपको यही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्लासीफाई ए बी सी, जो मैंने पहले आपको बताया था वीडियो में कि ए बी सी क्या है। तो माई ए इज 1, देख लो भाई खुद देख लो, एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं कुछ नहीं कर रहा, एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा, एक्स 1 ए 1 हो गया। बी इज माइनस 3 एंड द सी इज माइनस 10 और इज इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया ही है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इज इक्वल टू में कुछ ना लिखा हो, डैट मीन्स इट इज 0, ठीक है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, इट इज 0। तो ए इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, बी इज इक्वल टू माइनस 3, सी इज इक्वल टू माइनस 10। अगेन बोल रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 3 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 10 आ चुका है मेरा आंसर ए बी सी का, जो आपको आता ही है। कैसे करना है, कुछ नहीं करना, आपको डी निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, डी, पहले डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी, ठीक है ना। अब बी क्या है, बी क्या है, सबर से माइनस 3 है, लिखो भाई बी की जगह माइनस 3 है, पूरे के ऊपर होल स्क्वेयर लिख दिया, फिर लिखो बेटा 4, सॉरी माइनस, फिर 4, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, ए इज 1 लिख दो बेटा, घबराना नहीं है। सी, व्हाट इज सी, सी इज माइनस 10 लिख दो, माइनस का माइनस 10 लिखना है, ऑब्वियसली बात है कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब माइनस 3 इंटू माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, ठीक है जी, पॉजिटिव 9 मुझे आता था, आप लोगों के लिए किया है। अब लेट मी चेक फर्स्ट, देखो तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस, 4 इंटू 1 इज 4 और 4 इंटू 10 इज
40, अब ये बन गया 49, डिस्क्रिमिनेंट क्या बन गया 49 बन गया। अब हम सोल्व करेंगे आगे वाला फॉर्मूला, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू, देखो बेटा वेरिएबल x वाले होंगे तो x लिखेंगे, वेरिएबल y वाले होंगे तो मैं यहाँ y लिखूंगा, वेरिएबल z वाला होगा तो मैं z लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे x के साथ में लिख भी रहा हूँ कि ये वेरिएबल आएगा, जो भी आपका वेरिएबल क्वेश्चन में होगा वही वेरिएबल लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो सबसे बड़ी गलती, मोस्ट मिस्टेक जो करते हैं बच्चे, मोस्ट सबसे ज्यादा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो इस माइनस की है, ये घपला है सबसे बड़ा। तो सबसे पहले ध्यान रखना माइनस लगा दो, कुछ लगाओ ना लगाओ पहले माइनस लगा दो, बाद में आएगी दुनियादारी, सबसे पहले माइनस लगा दो। लगा दिया, बी कौन है, चेक इट, बी कौन है माइनस थी, तो देखो माइनस थी, तो ध्यान से सोचो सबसे पहले ये जो माइनस है ना इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसी माइनस में सबसे ज्यादा गलती होती है। तो माइनस पहले लगाओगे बी बाद में लिखोगे, तो बी लिख दिया, प्लस माइनस लगाओ घबराने वाली बात नहीं है, डी था मेरा 49 चेक कर लो, ठीक है, डिवाइड बाय 2a, व्हाट इज माय a, व्हाट इज माय a 1, ठीक है, ओ मैंने फटाफट पहले लिख लिया, ठीक है, तो हो गया पॉजिटिव 3 प्लस माइनस रूट 49, रूट 49 सोचो भाई, रूट 49 किसका हो सकता है, 7 का होता है, ठीक है, बाय 2 इन 2 इन 2 1 दैट इज 2, ठीक है, वो हो जाएगा, खत्म होगी क्या, चलो भाई तू स्टार हट, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पे जगह गलत हो गई, तो यहाँ लिख लाऊँ मैं थोड़ा सा, ठीक है जी, थोड़ा सा यहाँ मैंने बॉक्स बना लिया, अब यहाँ लिखेंगे, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा पार्ट टू है, पार्ट थ्री तो लिख दूँ क्या, पार्ट वन, ठीक है, उसके बाद पार्ट टू, क्योंकि कुछ बच्चे ना आगे पीछे कर रहे होंगे ना, वो एंड में लिखेंगे सीधा पार्ट थ्री। तो अब देखते हैं बेटा ये आया ना, तो इसको दो बार लिखेंगे, तो पॉजिटिव 3 ए प्लस माइनस है, पहले को प्लस में कंसीडर करते हैं बाय 2 है, नेक्स्ट वाले केस में माइनस कंसीडर करते हैं, मतलब प्लस 3 तो ऑलरेडी है, नीचे वाला माइनस है तो माइनस 7 बाय 2। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार आपको केस 1 लेना है, तो यार मैंने केस 1 नहीं लिखा, तो पार्ट 3 तू बाद में आइयो, पहले ऊपर लिखेंगे केस 1, तो केस 1 एंड केस 2, ठीक है, तो केस 1 केस 2 ले लिया बेटा, तो पहले वाले में पॉजिटिव ले लिया, अगले वाले में नेगेटिव ले लिया। अब ये बन गया 10 बाय 2, क्या बन गया बेटा 5, ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू भी 5, ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वल टू में ये हो गया बेटा माइनस 4 बाय 2, दैट इज माइनस 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू भी माइनस 2, दोनों ही आंसर बिल्कुल ठीक है, x इज इक्वल टू 5 एंड x और x इज इक्वल टू भी माइनस 2 इज माई आंसर, ठीक है, तो एक आंसर हो गया x का माइनस 5, एक आंसर हो गया x का माइनस 2, तो ये हम नॉर्मली करते हैं, यहाँ पे भी x लिख लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं है तो इज इक्वल टू भी x लिख लो, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह बना के इज इक्वल टू भी x लिख लो, ताकि थोड़े पढ़े लिखे लगे, ठीक है बेटा, तो ये नॉर्मल सा था, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन गलत हो गई है, ठीक है, मतलब जगह खत्म हो गई थी ना, तो मैं फॉर्मूला मिटा नहीं सकता था, इससे थोड़ी जगह कम पड़ गई, तो ध्यान से पहले ए बी सी लिख दो, फिर डिस्क्रिमिनेंट, फिर फॉर्मूला, फिर दो केसेस प्लस माइनस के दोनों अलग अलग, ठीक है। तो ये तो था बेटा नॉर्मल सा क्वेश्चन, काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो मैं स्प्लिटिंग कर देता और फटाफट आंसर आया। देखो बैन है ना बहुत स्लो स्लो लिखा है, जब आप फटाफट से करोगे तो आपका अभी बहुत जल्दी आंसर आने लग जाएंगे विद दी हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, मतलब विद दी हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अभी मैं रब कर दूँ इसको फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा कि मेरे डस्टर लग जाए इस पर, ले लिया, रोक ली वीडियो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो देखो बेटा ये तो था नॉर्मल सा क्वेश्चन भाई कि बहुत छोटा सा था, इससे अच्छा तो स्प्लिटिंग कर देते। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ रूट वाला, जो बिना जो स्प्लिटिंग के अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो इस डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाने के बाद कितना आसान हो जाएगा देखते। तो ये तो आपने लिख ली होंगी फॉर्म और कंडीशंस, तो इसको हटा दिया मैंने, ठीक है, तो ये लिखा रहने दो थोड़ा सा। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन दैट इज रूट टू, रूट टू एक्स स्क्वेयर एंड प्लस 7x एंड प्लस 5√2। अब देखो अब जरा करके दिखा दो तुम स्प्लिटिंग, अब करो ना, अब आ जाएगी नानी यार स्प्लिटिंग के अंदर, तो ठीक है। अब स्प्लिटिंग करना इतना इजी नहीं रहेगा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं बताता हूँ कैसे d लगाएंगे और कैसे नॉर्मली सा हो जाएगा ये सोल्व। तो सबसे पहले यार a b c पहचानना हो तो मुझे नहीं पता कि लिखूँ कि ना लिखूँ, a है रूट टू, बी है 7 और c है 5√2 इज इक्वल टू भी 0 है, ठीक है। तो लगाते डिस्क्रिमिनेंट सीधा बी स्क्वेयर माइनस 4ac, फटाफट करेंगे बी कौन है बेटा 7, तो 7 का होल स्क्वेयर माइनस 4, व्हाट इज a, व्हाट इज a रूट टू, व्हाट इज b, सॉरी व्हाट इज c 5√2। अब देखो बेटा 7 का होल स्क्वायर इज 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई
फाइव मल्टीप्लाई रूट रूट टू इंटू रूट टू डेट इज टू, जो हम नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू डेट इज टू। ठीक है, अब देखो 49 माइनस 5 टू द 10, 10 इंटू 4 डेट इज 40 एंड द आंसर बिकम 49 माइनस 40 डेट इज 9, देन द डिस्क्रिमिनेट आंसर इज 9। डिस्क्रिमिनेट का आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। अब लगा देंगे बेटा फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस पहले लगा दो बेटा, माइनस लगाना अनिवार्य है, पहले बाद में लगाते रहना। बी बी कौन है, 7 है बेटा, लिख दो 7 प्लस माइनस व्हाट इज डी, डी इज 9। ठीक है, 2 व्हाट इज ए, ए इज रूट 2, ए इज रूट 2। अब एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस रूट 9 किसका होता है बेटा, 3 का होता है, 2 रूट 2 नीचे आ गया बेटा। एक्स इज इक्वल टू, अब दो लिखेंगे बेटा केस 1 केस 2, तो लिख रहा हूँ केस 1 और यहाँ लिखूंगा बेटा केस 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 पहले पॉजिटिव वाला और सेकंड में नेगेटिव वाला, मतलब एक बार पॉजिटिव लेना एक बार नेगेटिव लेना। x इज इक्वल टू भी माइनस 4 बाय 2 रूट 2 एंड हियर x इज इक्वल टू भी माइनस 10 बाय 2 रूट 2। यहाँ पर इसको 2 से 4 खत्म, 2 आंसर आ गया माइनस 2 बाय रूट 2। रैशनलाइज कर सकते हैं रूट 2 नीचे ऊपर भी रूट 2, रैशनलाइज हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 2 और ये कट के आंसर आ गया माइनस रूट 2। आंसर क्या आ गया, माइनस रूट 2 इज आंसर। और यहाँ पर 2 और 10 खत्म 5, आंसर बिकम माइनस 5 रूट 2। अगेन रैशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम जो है रूट को नहीं छोड़ते, तो वी आर डूइंग अ रैशनलाइज, तो माइनस 5 रूट 2 डिवाइड बाई 2, दिस इज माई आंसर। तो मेरे बोथ आंसर ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 5 रूट 2 बाई 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 आर द आंसर ऑफ दिस। और अगर आप स्प्लिटिंग लगा रहे होते ना, तो 3 दिन तक स्प्लिटिंग लगाते रह जाते और आपसे स्प्लिटिंग कतई नहीं होने वाली थी इस क्वेश्चन के। तो इसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की नीड पड़ती है, देख सकते हो। और अभी तो आपने बड़े बड़े क्वेश्चन झेले ही नहीं है क्वाड्रेटिक के, मतलब बड़े बड़े क्वाड्रेटिक आपने तो स्प्लिटिंग करी है नॉर्मल सी, जिसमें 10 12 13 बस इतने तक क्वेश्चन आते थे, दो खत्म हो जाती थी वैल्यू। अब वैल्यूज आएंगे 1400 14000 3000, तब आपको ये जो फॉर्मूला है ना, इसकी वैल्यू इसकी वर्थ समझ आएगी, जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होगे बेटा, तब है इसकी वर्थ। ठीक है, तो फटाफट से टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट और वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट कितने कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के डिस्क्रिमिनेंट होते हैं, कैसे कैसे करने हैं और कौन कौन से डिस्क्रिमिनेंट हमें नहीं करने। तो फटाफट से आप पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पे। ओके, हाँ जी, अब हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट किस किस तरीके के हो सकते हैं, तो फटाफट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं लेंगे आप लोगों की, तो वैसे ही वीडियो बहुत लंबी होती चली गई है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। देखो, अगर मैं इसको जीरो से कंपेयर करूँ, इफ आई एम कंपेयरिंग दिस फॉर्मूला विद जीरो, तो दे आर थ्री कंडीशंस, तो दे आर तीन कंडीशन हो सकती है कि भाई या तो ये जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो के इक्वल होगा, या तो जीरो से छोटा होगा, तीन ही कंडीशन हो सकती है, तो भाई तीनों ही आएंगी। ठीक है, तो अगर तो डिस्क्रिमिनेंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, देन दिस इज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी जीरो, देन दैट मीन्स टू इक्वल रूट्स, एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन जीरो, देन इट मीन्स नो रियल रूट्स। इन चीज़ों के मतलब समझते हैं, फील लेते हैं क्या चीज़ है बेटा ये। तो सबसे पहले लिखा हुआ है टू डिस्टेंट रियल रूट्स, तो सबसे पहली बात अब ध्यान रखना, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हो, रूट्स का मतलब है, रूट्स का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑल्सो नोन एज रूट्स। जब आप पॉलीनोमियल कर रहे थे तो जीरो सुना था, तो जीरोस क्या होती थी, वैल्यू ऑफ एक्स होती थी, नहीं होती थी अगर आप पॉलीनोमियल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, तो अगर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं रूट्स, अगर हम वर्ड यूज़ क्या कर रहे हैं रूट्स, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स की। ठीक है, तो टू डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो अलग अलग रूट्स आएंगे, अलग अलग एक्स की वैल्यू आएंगी, दैट मीन्स देयर आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी दो डिफरेंट वैल्यूज होंगी,
और अगर हम बात करते हैं इधर वाले की, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, देयर इज टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स का मतलब देयर आर टू सेम वैल्यूज ऑफ एक्स, और यहां पे लिखा हुआ है अगर डिस्क्रिमिनेंट छोटा हो जाता है जीरो से तो नो रीड रूट, देयर आर, देयर मीन्स या फिर दैट मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट, कि यहां पे वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अच्छे से समझते हैं इन सब चीजों को, कि मैं ये क्या क्या बोले जा रहा हूं, नहीं समझ आ रहा होगा, एकदम ऊपर से जा रहा हूं मुझे पता है अभी। तो अगर मैं बोलता हूं कि जीरो से बड़ा है डिस्क्रिमिनेंट, अगर मैं बोलता हूं कि जीरो से बड़ा है डिस्क्रिमिनेंट, इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि जैसे कि नाइन आया मेरा डिस्क्रिमिनेंट, तो नाइन जीरो से बड़ा, अगर मेरा आंसर 49 आया तब भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है। और अगर मैं यहां एग्जाम्पल दे दूं कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए, बस एक ही एग्जाम्पल है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए, और यहां पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख सकता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर मेरा -4 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर मेरा -5 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर मेरा -49 आ जाए, मतलब कोई भी चीज जो जीरो से छोटी हो, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर मेरा -0.3 आ जाए, तो कुछ भी आ जाए लेकिन डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जीरो से छोटा हो, या फिर जिसको मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव आंसर हुआ तो डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन जीरो, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट, कोई भी एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, करके दिखाऊंगा अभी घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट तो समझना पड़ेगा, टू इक्वल रूट एग्जिस्ट मतलब डी, जब डी जीरो आ जाएगा मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी का आंसर जीरो के बराबर आ जाएगा, तो डैट मीन्स टू सेम वैल्यू ऑफ एक्स, हमारे पास दो वैल्यूज आती रहेंगी एक्स की, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मतलब व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, डैट मीन्स मैंने 9 लिखा है जो जीरो से बड़ा है, 49 लिखा है जो जीरो से बड़ा है, ऐसे मैं क्वेश्चंस करा चुका हूँ, जैसे कि हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पहले मैंने आज की क्लास में कुछ कुछ एग्जांपल्स कराए हैं, जैसे मैंने करवाया था एक्स स्क्वायर -3x -10, तो इसका आंसर या तो मेरा 49 था या तो 9 था डिस्क्रिमिनेंट का, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट क्या था, जीरो से बड़ा था, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था, डिस्क्रिमिनेंट क्या था, पॉजिटिव था, और वी कैन से डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, दोनों ही बातें एक चीज बता रही है, लैंग्वेज अलग है बस। तो और दो तीन एग्जाम्पल मैंने करे थे, जैसे कि रूट 2x² + 7x + 5√2, तो ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किया है क्वेश्चन, तो ये भी इसका आंसर भी क्या आया था, अलग सा आया था, मेरे ख्याल से इसका आंसर आया था 9, इसका डिस्क्रिमिनेंट 9 आया था, इसका डिस्क्रिमिनेंट 49 आया था बेटा, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि आंसर जो है डिस्क्रिमिनेंट का अगर जीरो से बड़ा आ गया है, पॉजिटिव आ गया है, दैट मीन्स कि दो आंसर आएंगे। आप चेक कर लेना इन दोनों ही इक्वेशंस के, इन दोनों इक्वेशन का जो भी हमने पहले करी है, दोनों के आंसर अलग अलग थे, एक्स के आंसर क्या थे, अलग अलग थे। वैसे अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन की, तो मैं एक इक्वेशन लेट कर रहा हूँ, x² + 4x + 4 = 0, तो आई एम टेकिंग एन इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं बेटा क्या आता है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, बी इज 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज a इज 1, व्हाट इज c इज 4, तो 16 - 16, 4 4 16, आंसर इज 0, मतलब डी क्या है मेरा, 0 आ गया, डी क्या है बेटा मेरा, 0 आ गया। मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं इसको सोल्व कर दूँ बेटा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -b + √d/2a = x, ठीक है जी, माइनस बी मतलब -4 + √d क्या है, रूट डी तो 0 है, अपॉन में 2a क्या बेटा 1 है, 2a 1 है, = x। अब देखो होगा क्या, -4 / √0 मतलब खत्म, कोई चीज नहीं बची वहां पे, तो प्लस माइनस भी लिखेंगे क्या, +-0 लिखूं, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, अगर वो चीज ही खत्म होगी तो खत्म, -4/2 = x, इसका मतलब आंसर -2 आ गया x का, मतलब एक आंसर मेरा -2 आया तो दूसरा आंसर भी एज यू नो कि सेम होते हैं इसके रूट्स, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, -2 ही हो गया दोनों ही केसेस के अंदर क्या हो गया, -2, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो थोड़ा सा मुझे शायद आंसर के लिए नंबर चाहिए होगा स्पेस, तो मैं इसको उठा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जैसे कि x² - 20x - 20x + 112. अब हम इसका डी निकालते हैं पहले, तो d = b² - 4ac, ठीक है, एंड b = -20² - 4, व्हाट इज a = 1, व्हाट इज b = 112, ठीक है, तो 400, 220 का स्क्वायर, दैट इज
400 माइनस 448 माइनस 448 तो आंसर आ गया 448। अब आंसर आ रहा है माइनस 48। अब देखो बेटा, तो अब यहां से मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 48। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन जीरो, स्मॉलर देन जीरो है ना, माइनस 48 स्मॉलर देन जीरो है, तो इसका मतलब आपको लिखना है देयर इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, और आपको आगे फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है। मतलब जो फॉर्मूला लगाते थे ना, ये वाला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए इज इक्वल टू एक्स, तो ये लगाने की नीड नहीं है। अगर आपका आंसर डिस्क्रिमिनेंट का जीरो से छोटा आ जाता है और आपने भाई डी लिखना है और ये माइनस 48, इसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ बेटा। जब अगर आप इसके आगे कंटिन्यू करोगे तो एक्स का आंसर लिखोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, और डी के अंदर रूट लगाओगे, मतलब आप रूट लगाओगे माइनस 48 के अंदर, और माइनस 48 रूट कभी सोल्व नहीं हो सकता, माइनस 48 रूट टू, रूट रूट टू कभी सोल्व नहीं हो सकता। ये जो माइनस है ना, माइनस 48 माइनस 9 रूट, ये बेटा कभी सोल्व नहीं हो सकते इन अ क्लास ऑफ टेंथ, टेंथ में कभी सोल्व नहीं हो सकते, बिकॉज इट इज नॉट अ रियल रूट्स। थोड़ी सी मैं इलेवंथ घुसा रहा हूँ यहाँ पे, इलेवंथ, तो इट्स नॉट अ रियल रूट्स। बेटा रियल रूट्स का मतलब होता है एक नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर। अगर आप लोग सोचो कि माइनस नाइन, चलो आप सोच रहे हो कि यार माइनस नाइन रूट है, माइनस नाइन रूट है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस थ्री हो जाएगा। नहीं होगा कभी जिंदगी में, नहीं होगा, क्या नहीं होगा कभी जिंदगी में, नहीं होगा। हाँ, अगर वो बोलता है रूट नाइन क्या होगा तो थ्री में बोल देता बहुत प्यार से कि जो हमारा रूट नाइन है वो थ्री होगा, और थ्री भी मैं बता दूँ ये जो थ्री है वो प्लस माइनस का थ्री होता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। अगर आपको इलेवंथ में जब आप पहुँच जाओगे, इलेवंथ में अगर मैथ्स अडॉप्ट करते हो, तब आपको इसमें पल्ला पड़ेगा फोर्थ चैप्टर से, दैट इज़ आयोटा। तो हम उसमें इसको बोलेंगे, अगर मेरे को इसको बोलना होता ना रूट माइनस 48 को, तो इलेवंथ क्लास में इसको बोलेंगे रूट 48 आयोटा। ठीक है, जो ज़्यादा ऊपर से जा रहा होगा ना, तो ठीक है, तो बस मैं तुमको थोड़ा सा ये बता रहा था कि अगर आप अभी आप टेंथ क्लास में हो तो वापस आ जाओ दिन दुनिया में, टेंथ में वापस आ जाओ। काफ़ी सारे बच्चे तो सोच रहे होंगे टेंथ में मैथ्स हो नहीं रही, इलेवंथ में दिलवा दो हमें। ठीक है, तो ध्यान से सोचो कि अगर नो रियल रूट्स है, नो रियल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जीरो से छोटा हो जाता है, तो आपको डी निकालना है, डी को सोल्व करके दिखा देना है कि डी मेरा नेगेटिव आ गया, डैट मीन जीरो से छोटा हो गया। तो आपको सीधे एक लाइन लिखनी है, देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट, और कहानी खत्म। और अगर आंसर आपका डी का जीरो के बराबर आ जाता है, तो जीरो के बराबर आंसर के बाद आपको डी निकालना है, डी के बाद फॉर्मूला लगाना है नॉर्मल, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, उसको सोल्व करना है, रूट के अंदर जीरो भरोगे तो दोनों तरफ से प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, माइनस फोर बाई टू बचा, माइनस टू, अगर एक का आंसर माइनस टू है तो दूसरे केस का भी आंसर क्या होगा, माइनस टू आएगा, दूसरे केस का आंसर भी क्या आएगा, माइनस टू आएगा। अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है इसके अंदर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने पहले लिखवाया था केस वन केस टू करके, तो मैं आपको वैसे भी लिखा दिखा सकता हूँ, केस वन लिख सकते हैं यहाँ पर, केस वन, और एक लिख सकते हैं केस सेकंड। ठीक है, तो केस वन में माइनस फोर प्लस रूट जीरो बाई टू, माइनस फोर माइनस रूट जीरो बाई टू, और बाद में ये हो जाएगा माइनस फोर बाई टू, और ये भी हो जाएगा क्या, माइनस फोर बाई टू, बिकॉज माइनस रूट की तो कोई वैल्यू बचेगी ना, दोनों बार आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस टू और माइनस टू। ठीक है, तो बस समझ आएगी, मतलब आपको अगर आंसर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है या जीरो से छोटा आ जाता है तो आपको सोल्व नहीं करता। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर आता है तो दोनों x की वैल्यू सेम ही आएंगी, अगर पहली x की वैल्यू थ्री है तो अगली x की वैल्यू भी थ्री होगी, पहली x की वैल्यू फोर है तो अगली x की वैल्यू भी फोर होगी, पहली x की वैल्यू माइनस टू है तो अगली x की वैल्यू भी माइनस टू होगी, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जीरो आ जाता है तो। और नेक्स्ट केस जो हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जीरो से बड़ा होता है, मतलब कोई सा भी पॉजिटिव नंबर होता है, तो उसके दो आंसर होते हैं, टू डिफरेंट आंसर, और वी कैन से टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, रियल मतलब असली, रूट्स मतलब रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू, तो देर आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मेरा डी का आंसर जो बड़ा आ जाएगा, तो जब मैं उसको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर जो है एक्स के दो वैल्यूज आएंगी, और इसको जब सोल्व करूंगा तब भी मेरी एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, तो ऐसे करते करते हम इसको सोल्व कर लेंगे। बेसिकली अगर आपके पास क्वेश्चन कोई भी आता है इक्वेशन, तो आप ध्यान रखना, अगर इक्वेशन आती है और वो इक्वेशन का जो डी है वो जीरो से बड़ा होता है तो उसके दो डिफरेंट आंसर आएंगे,
अगर d जीरो के बराबर होता है तो दोनों आंसर सेम आएंगे x के, और अगर d छोटा हो जाता है जीरो के तो आपको ये वाला फॉर्मूला तो लगाना ही नहीं है, कहेंगे अब ये रहा माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए वाला तो फॉर्मूला आपको लगाना ही नहीं है। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया मेरे को पता है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा तो नहीं रहा लेकिन ये पूरा चैप्टर समा गया आपका, मतलब पूरा चैप्टर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरा आपसे वादा है। पूरा चैप्टर बहुत स्मूथली चलता जाएगा और आप ईजिली कर लोगे और आपको पता ही चलेगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बस आज की टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, और जो भी वैल्यूएबल लग रहा है प्लीज़ नोट डाउन द वैल्यूएबल थिंग्स। तो वैसे तो मैंने सारी वैल्यूएबल थिंग्स लिखी हैं, बट फिर भी आप वैल्यूएबल थिंग्स को नोट करो, नोट डाउन करना काफी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेते हैं तो हर चीज स्क्रीनशॉट में धरी रह जाती है, कभी भी रिटर्न में नहीं आ पाती। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे कुछ कमेंट कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को लाइक कर दो, लाइक नहीं मतलब मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के लिंक को शेयर किया करो यार, वीडियो को शेयर किया करो, और अगर कोई सी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, और वहाँ पे मैं आपको सारे DM वगैरह के आंसर्स दिया देता हूँ। जो बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे मैं मैथमेटिक्स के कुछ भी करता रहता हूँ रखता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। अगर आप मैथ्स लेवर हो, अगर मैथ्स के लेवर नहीं हो तो मैथ्स के लेवर बन जाओगे, उस पेज को फॉलो कर लो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं और एजुकेशन वीडियो के साथ। प्लीज़ नोट डाउन ऑल दिस वैल्यूएबल थिंग्स। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। जाने का मन नहीं कर रहा वीडियो को।